पिछले चार महीने से हमारे हॉस्पिटल के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को सैलरी नहीं मिली है। जब से हम लोग मेडिकल कॉलेज में मर्ज कर दिए गए हैं तब से सैलरी की अनियमितता शुरू हो गई है और अभी ये चौथा महीना चल रहा है। पिछले तीन महीने से सैलरी नहीं मिली है और इसकी वजह से बहुत सारे एम्प्लॉयों के बहुत सारे अधिकारियों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उनके जो स्टोर्स जो पैसे आपातकाल के समय के लिए रखे गए थे सभी लोगों के पैसे धीरे धीरे खर्च हो रहे हैं, ख़त्म होने वाले हैं। कई लोगों को कर्ज लेकर के अपना घर परिवार का पोषण करना पड़ रहा है और बच्चों की फीस से लेकर के मकान के किराए से लेकर के जबकि सबकी एक रूटीन एक नीड होती है महीने की जो कि फिक्स होती है उससे उसको तो कंपलसरी है करना ही करना है। बाकी चीज़ों में आदमी कटौती कर सकता है। कितने डॉक्टरों की जिला अस्पताल कितने डॉक्टर किसी भी डॉक्टर के जितने भी लोग पीएमएस मेडिकल कॉलेज वालों की भी नहीं मिली है, महिला अस्पताल की नहीं मिली है। कम से कम चिकित्सक और कर्मचारी मिला के 200 से 250 20 संख्या होगी हम लोगों की। हाँ बिल्कुल, हम लोग जितने भी लोग पहले पीएमएस संवर्क में जितने भी अधिकारी और कर्मचारी थे सारे लोगों को मर्ज कर दिया गया है मेडिकल कॉलेज में। तो हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हम लोगों के संज्ञान में नहीं है क्या हो रहा है, लेकिन सैलरी नहीं मिल रही इसके लिए हम लोगों ने अपने प्रमुख अधीक्षक से बात किया और डीएम सर को भी ज्ञापन दिया था इसके पहले और सभी अधिकारियों को हमने सूचित किया था कि जल्दी से जल्दी इसमें कोई कार्रवाई की जाए, लेकिन अभी तक हम लोग कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला।